Assalamualaikum guys, welcome back to another YouTube video. आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से आप यूरोप में आके अपने जो आपका टेम्प्रेरी वीज़ा है उसको आप परमानेंट वीज़ा में चेंज करा सकते हैं या रह सकते हैं. बेयरिंग इन माइंड कि आपके जो पाकिस्तान के हालात हैं फिलहाल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया. इंडिया से काफ़ी लोग मुझे देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, बट आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान की जो आजकल के हालात हैं वो सबके सामने, आई होप आगे वाले टाइम में कुछ हालात बेहतर हो जाए. लेकिन अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है, आपने ले लिया है, आपके पास, आपको ये वो लकी इनफ, मैं आपको लकी बोलूँगा क्योंकि आजकल के टाइम पे शेंजन वीज़ा की जो डेट्स हैं वही नहीं आ रही, तो वो कौन सा ऐसा तरीका है कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आपको नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा. अगर आपने यहाँ पे आके घूम के वापस चले जाना है, दैट्स वन थिंग. लेकिन अगर आपको यहाँ पे आके रहना है, परमानेंट रहना है, तो उसका क्या तरीका होता है. तो और कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो यहाँ पे आपको पीआर दे सकते हैं, टीआर दे सकते हैं, तो उस बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास है, आपने फॉर एग्जांपल आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली आजकल के टाइम पे अगर आपका शेंजन वीज़ा लग गया, आपने नो मैटर फ्रांस से अप्लाई किया, नो मैटर आपने इटली से अप्लाई किया, स्विट्जरलैंड से किया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, कहीं से भी आपने कहीं से भी अप्लाई किया, वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे आपको आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए और वो कौन सा तरीका है कि आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं. तो सबसे पहला तरीका जो बेसिकली यहाँ पे बहुत से लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इधर या तो वो आते हैं वर्क परमिट पे, ठीक है, या तो वो वर्क परमिट पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे आए, वो जॉब पे उनका वीज़ा निकला, कंपनी ने उनको हायर किया, ये भी एक तरीका है. इस तरीके से भी लोग आते हैं लेकिन हर कोई नहीं आ पाता. तो वो तरीका क्या है कि भाई वो शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो यहाँ पे आके रहना शुरू कर देते हैं. लेकिन उसका कोई लीगल तरीका होना चाहिए ना. या तो नंबर वन, आप या तो यहाँ पे आके अजाइलम कर सकते हैं. यू कंट्रीज, एक जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1951 में, वो उन तमाम लोगों को जो यहाँ पे आके अगर उनको अपने मुल्क में कुछ खतरा है तो वो यहाँ पे अजाइलम ले सकते हैं. बट ये खतरे हर किसी को नहीं होते मुल्क में, ठीक है, हर किसी ने आके यहाँ अजाइलम नहीं करना. तो वो कौन सा तरीका है जो यहाँ पे आके आप रह सकते हैं, तो वो तरीका होता है बेसिकली आप यहाँ पे आके इमिग्रेशन फाइल करते हैं. वो इमिग्रेशन, आई डोंट नो उसको टर्म क्या है, उसका टर्म क्या है, लेकिन जब आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप यहाँ पे आके इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कमिंग हियर, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से रह के आप इमिग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते इन यूरोपियन कंट्रीज़ की. कैनेडा, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जो आपको वहीं पे रहते हुए आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस चलाते हैं. लेकिन यूरोप के ऐसे कंट्रीज नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, जो आपको इमिग्रेशन का प्रोसेस वहीं पाकिस्तान में बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं. तो आपको यहाँ आना पड़ता है, यहाँ आके इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है. तो नंबर वन कंट्री जिसका मैं फ़ैन हूँ और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जिसका फ़ैन हूँ वो वहाँ से, तो आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्चुगल. क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैं फ़ैन हूँ, तो पोर्चुगल गिव यू एन ऑप्शन कि भाई अगर आप वहाँ पे आ गए हैं बाई लीगल मीन्स और बाई लीगल मीन्स, तो आप वहाँ पे आके रह सकते हैं. और उसके लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती. आप आते हैं, आपके पास थोड़े से पैसे होने चाहिए, आप आएंगे अपना घर आप रेंट आउट कर रेंट पे लेंगे और उसके बाद वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे. नॉर्मली जो मुतवस्सित फैमिलीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका रहना पीना गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है, तो उसके लिए बेहतर ये कि पहले बंदा हेड ऑफ़ द फैमिली खुद आए, ठीक है. अगर खातून घर चला रही हैं तो खातून यहाँ पे पहले आए, और अगर मर्द हजरात घर चला रहे हैं तो वो मर्द हजरात पहले आए यहाँ पे, ठीक है. क्योंकि होता ही है कि आप जब पूरी फैमिली लेकर आ जाएंगे, पूरा टब्बर लेकर आ जाएंगे, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी. दिस इज़ ऑल माई प्रोस्पेक्टिव, ठीक है. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, रहने वाले रहते हैं, एक कमरे के अंदर भी रहते हैं, तीन तीन लोग भी रहते हैं कमरे के अंदर, एक मियाँ बीवी बच्चा भी रहते हैं, दो बच्चे भी रहते हैं कमरे के अंदर, यहाँ पे मैंने देखा है. लेकिन आसान तरीका ये कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, आसान तो नहीं है, कि आप खुद आ जाएँ, एक बंदा आ जाए, जॉब शॉप ढूंढे, काम शाम शुरू करे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे रहना शुरू कर दे. वंस ही गेट्स TRC टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है पोर्चुगल का, देन ही कैन अप्लाई फॉर हिज फैमिली, और वो सब पूरी फैमिली को बुला ले. उस वक्त तक साल दो साल में हालात भी थोड़े से बेहतर हो जाते हैं. लेकिन हर कोई ये नहीं करता, हर कोई चाहता है कि यार एक दफ़ा निकल रहे हैं तो पूरी फैमिली को लेकर निकल सके. तो मेक श्योर कि आप जो है अपने जो आप लोगों ने प्लान किया हुआ है उसके अंदर आप रेडी हो कि आपने मुश्किल टाइम आएगा उसको आपने फेस करना है. तो डोंट गेट अफ्रेड कि भाई ये मुश्किल टाइम आया तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाए. तो मेक श्योर दैट यू आर लीविंग पाकिस्तान फॉर गुड, एंड इफ़ यू आर लीविंग पाकिस्तान तो उसके लिए थोड़ा सा तगड़े माइंड सेट के साथ आपको यहाँ आना पड़ेगा. सो पोर्चुगल गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे आते हैं,
यू ट्राई टू यू गो टू द इमिग्रेशन, जिस तरीके से यहाँ पे नादरक ऑफिस होता है, इस तरीके से पोर्चुगल के अंदर सेफ का दफ्तर होता है, वहाँ पे दो तीन डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी होती है, NIF बनाना होता है, ठीक है, NIF ID बनवानी होती है, जूता चाहिए होता है जो कि रेजिडेंस का परमिट होता है, रेजिडेंस कार्ड होता है, वो चाहिए होता है, कुछ बेसिक सी सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर आप वो कर लेते हैं तो उसके बाद आप जाके सेफ के दफ्तर के अंदर जाके अपनी इमिग्रेशन की जो फाइल है उसको आप लॉक करवा सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं, और वहाँ पे उसके रहने के बाद आपके फिर टैक्सेशन, आपकी जॉब लग जाए तो उसके अंदर फिर आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, नॉर्मली जो पाकिस्तान से आ रहे होते हैं वो 89 आर्टिकल में आ रहे होते हैं, ए में आ रहे होते हैं अगर आप लीगल आए हैं, और अगर आप इलीगल आए हैं तो आप बी में जा रहे होते हैं, 89B में, मोस्टली पाकिस्तानी इसमें जा रहे होते हैं। इसके बाद आप अपना डिलीवरी का काम कर सकते हैं यहाँ पे आके, जो कि हर पाकिस्तानी आजकल वही करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज इट्स ईजी, गिव्स यू मोर मनी, इट्स नोबडी इज़ योर बॉस, यू आर योर ओन बॉस, तो उसके लिए बंदा जो है डिलीवरी की तरफ चले जाता है, लेटर ऑन थोड़ी सी लाइफ सेटल होती है एंड यू कीप ऑन लुकिंग फॉर द जॉब, जैसी जॉब मिलती है तो फिर आप उस तरफ मूव हो जाते हैं, बट फॉर द बेसिक नेसेसिटी टू मेक, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको मीट करने के लिए आप जो है वो ये काम करके अपना एटलीस्ट घर का किचन जो है वो आप चला सकते हैं, तो इट्स बेटर कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और ऐसा नहीं है कि आपको आधे के साथ ही आप डिलीवरी का काम कर सकें, बिकॉज यू नीड टू अप्लाई फॉर द ID, और वो ID आने में टाइम लगता है, 3-4 महीने लगते हैं, आजकल तो 6-6 महीने भी लग रहे हैं बिकॉज काफ़ी सारे लोगों में, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क, सो पोर्चुगल गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर इसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि स्पेन का, स्पेन में भी जाके आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं, बट स्पेन इज़ उसके अंदर भी आप जब जाते हैं वहाँ पे रहना शुरू करते हैं तो वहाँ पे भी आप जाके सेम प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे जो उनका नादरा का दफ्तर है उसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल नाम है, इट्स इन स्पैनिश तो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी अपना सेम प्रोसेस कर सकते हैं, बट स्पेन टेक्स टाइम, ठीक है, स्पेन टेक्स टाइम, और पाकिस्तानी वहाँ पे भी आजकल काफ़ी सारे पहुँचे हैं, लेकिन स्पेन एंड पोर्चुगल आर गुड टू ऑप्शन इन यूरोप, जहाँ पे आके आप जो है वो फिर यहाँ पे टेम्प्रेरी रेजिडेंस और फिर PR की तरह आप जा सकते हैं। PR पे जब आप PR, आपका जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड आपको मिलता है वो पहले इनिशियली 2 साल का मिलता है, फिर 3 साल का रिन्यू होता है, 5 साल जब आपको यहाँ पे रहते हुए हो जाते हैं तो आप पोर्चुगल का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, ठीक है, 3rd या 4th नंबर पर आता है दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने निकलने का प्लान करें पाकिस्तान से तो कहाँ जाना चाहिए, तो पोर्चुगल इज़ वन गुड ऑप्शन, और आई सेल्फ लिव इन इटली, बट आई एम क्योंकि इटली के अंदर फिलहाल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके अंदर आप आके यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकें, हाँ, बट पोर्चुगल गिव यू एन ऑप्शन के आप जाएँ वहाँ पे रहें, अपने वीज़ा को एक्सटेंड भी कर लें, मतलब लीगली तरीके से आप वहाँ पे रह भी सकते हैं, ठीक है, आपका बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेश्चन हो तो डू राइट इन कमेंट्स, आई सी यू अराउंड देम, अच्छा।